हेलो एवरीवन, इस चैनल पे आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम केमिकल सेक्टर से सात ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग होने के साथ साथ फ्यूचर में हाई ग्रोथ का पोटेंशियल रखते हैं। चाइना प्लस वन को कंसिडर करते हुए इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाली है, और अगर हम इस सेक्टर की कुछ अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो हम भी इस ग्रोथ का फ़ायदा उठा के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम सात ऐसे ही स्मॉल कैप हाई ग्रोथ कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेवन्थ नंबर पे जो कंपनी है, ये सुपीरियर सिंथेटिक एंड नेचुरल फूड ग्रेड कलर्स की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। ये कंपनी फूड कलर्स बनाने में एशिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, और इसके प्रोडक्ट्स फूड एंड बेवरेज, कन्फेक्शनरी, फार्मास्यूटिकल्स, पेट फूड्स, कॉस्मेटिक, इंकजेट इंक, पर्सनल केयर और होम केयर में यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैंने इस कंपनी के सेल्स ग्राफ को ओपन किया है, और आप देख सकते हो कि इस कंपनी की सेल्स किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। खासकर अगर आप मार्च 2020 से देखें, इस कंपनी की सेल्स शार्पली इंक्रीज हो रही है, जो एक अच्छी बात है। इस कंपनी की सेल्स को अगर हम एनालाइज करें तो 2011 में इस कंपनी की सेल्स 99 करोड़ थी। वहां से अगर आप देखोगे, इस कंपनी की सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इस कंपनी की सेल्स 554 करोड़ तक आ गई है। तो इस कंपनी की जो सेल्स है वो इस टाइम पीरियड में आलमोस्ट 5.5 टाइम्स इंक्रीज हुई है, जो बहुत अच्छी बात है। कंपनी की सेल्स इंक्रीज होने के साथ साथ अगर आप देखोगे, इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव में है, और ये भी एक अच्छी बात है। इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स को भी अगर हम देखें, इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स 2011 में जस्ट 4 करोड़ थे, और वहाँ से इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स 56 करोड़ तक आ गए हैं। तो इस टाइम पीरियड में इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है वो तकरीबन 13 टाइम्स इंक्रीज हुए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और अकॉर्डिंगली इस कंपनी का जो अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS है वो 2011 में जस्ट 0.74 था, और करंटली इस कंपनी का EPS 11.28 तक आ गया है। तो इस कंपनी का जो EPS है वो भी ग्रो कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये कंपनी जो है ये भी ग्रो कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप 1943 करोड़ है, तो ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है। इस कंपनी का ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33.2% है, विच इज़ वेरी गुड। कंपनी का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 31.0% है, विच इज़ अगेन वेरी गुड। कंपनी के ऊपर 90 करोड़ का डेट है, जिसके अगेनेस्ट इस कंपनी के पास 212 करोड़ के रिजर्व्स है। तो इस कंपनी के जो रिजर्व्स है वो इसके डेट के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जो अच्छी बात है। इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ 68.1% है, विच इज़ अगेन वेरी गुड। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 29.8% है। प्रमोटर होल्डिंग 64.3% है, और इस कंपनी का लास्ट वन ईयर का रिटर्न 12.3% है। और इस कंपनी का नाम विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स लिमिटेड है, और ये कंपनी BSE और NSE दोनों पे लिस्टेड है। इस कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी 387 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी के बिजनेस डिटेल जानने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो। सिक्स्थ नंबर पे जो कंपनी है, ये सरफेस फिनिशिंग एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये कंपनी एक मार्केट लीडर है, और तकरीबन 30% मार्केट शेयर को कवर करती है। यहाँ पे मैंने इस कंपनी का भी सेल्स ग्राफ ओपन किया है, और आप देख सकते हो कि इस कंपनी की सेल्स किस अंदाज से बढ़ रही है। हालांकि COVID-19 की वजह से इस कंपनी की सेल्स में 2020 में एक डिप आया था, लेकिन वहाँ से इस कंपनी ने अच्छे से रिकवर किया है, और फिर से इस कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है। इस कंपनी की सेल्स को अगर हम एनालाइज करें तो 2011 में इस कंपनी की सेल्स 277 करोड़ थी। वहाँ से इस कंपनी की सेल्स आप देख सकते हो इंक्रीज हो रही है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इस कंपनी की सेल्स इंक्रीज होकर 832 करोड़ तक आ गई है, जो एक अच्छी बात है। सेल्स इंक्रीज होने के साथ साथ इस कंपनी का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे, आपको वो हमेशा पॉजिटिव में दिखेगा, और ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी के नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 2011 में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट जस्ट 14 करोड़ थे, जो इंक्रीज होकर करंटली 88 करोड़ तक आ गए हैं। तो इस टाइम पीरियड में इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है वो तकरीबन 6 टाइम्स इंक्रीज हुए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। अकॉर्डिंगली इस कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS 0.54 से इंक्रीज होकर करंटली 3.89 तक आ गया है। तो इस कंपनी का EPS भी ग्रो कर रहा है, विच इन टर्न मीन्स ये कंपनी भी ग्रो कर रही है।
इस कंपनी का मार्केट कैप 2123 करोड़ है, तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का ROC 18.8% है, कंपनी का ROE 14% है। इस कंपनी के ऊपर 24.7 करोड़ का डेट है, जिसके अगेंस्ट इस कंपनी के पास 560 करोड़ के रिजर्व्स है। तो इस कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो इसके डेट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, ये एक अच्छी बात है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 22.9% है, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ -1.03% है, विच इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। तो प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में इस कंपनी को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास 69% शेयर्स है और इस कंपनी का वन ईयर रिटर्न देखें तो 55.3% है। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं इसका नाम ग्रोवर एंड व्हील इंडिया लिमिटेड है और ये कंपनी भी BSE और NSE दोनों पे लिस्टेड है। करंटली इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 92 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी के बिजनेस डिटेल्स जानने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हो। नंबर 5 पे जो कंपनी है ये सिटीरिक एसिड, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरीन और रेडीमेड गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। यहाँ पे मैंने इस कंपनी का सेल्स ग्राफ ओपन किया है और आप देख सकते हो कि इस कंपनी की सेल्स किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। खासकर 2020 ईयर से इस कंपनी की सेल्स में एक शार्प जंप आया है, जो बहुत अच्छी बात है। इस कंपनी की सेल्स को अगर हम एनालाइज करें तो 2011 में इस कंपनी की सेल्स जस्ट 21 करोड़ थी और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इस कंपनी की सेल्स इंक्रीज होकर 168 करोड़ तक आ गई है। तो इस कंपनी की जो सेल्स है वो तकरीबन 8 टाइम्स इंक्रीज हुई है, जो बहुत अच्छी बात है। खासकर अगर आप ईयर 2020 से देखोगे तो इस कंपनी की जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, जो एक अच्छी बात है। और अकॉर्डिंगली इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है वो 2020 से इंक्रीज हो रहा है, विच इज़ अगेन ए पॉजिटिव पॉइंट। कंपनी के नेट प्रॉफिट्स को अगर हम देखें तो पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में रिसेंटली इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। और अकॉर्डिंगली इस कंपनी का जो EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर है वो ईयर 2020 से कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। इस कंपनी का मार्केट कैप 78.2 करोड़ है, तो ये एक माइक्रो कैप की कंपनी है। कंपनी का ROC 23.7% है, विच इज़ गुड। कंपनी का ROE भी 22.9% है, विच इज़ अगेन वेरी गुड। कंपनी के ऊपर 6.82 करोड़ का डेट है, जिसके अगेंस्ट इस कंपनी के पास 9.44 करोड़ के रिजर्व्स है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 88.1% है, विच इज़ गुड। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी की 66.9% है, विच इज़ अगेन गुड। कंपनी के प्रमोटर्स के पास 50.7% शेयर्स है और इस कंपनी का वन ईयर रिटर्न आप देखिए 201% है, विच इज़ एक्सेप्शनल। और जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं इसका नाम रितेश इंटरनेशनल लिमिटेड है और ये कंपनी सिर्फ BSE पे लिस्टेड है। करंटली इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 90 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी के बिजनेस डिटेल्स जानने के लिए भी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो। 4th नंबर पे जो कंपनी है ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स के साथ साथ स्पेशलिटी डेरिवेटिव्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, एडहेसिव्स एंड सीलेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस कंपनी को मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड और सोडियम मोनोक्लोरो एसिटेट बनाने में 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है। यहाँ पे मैंने इस कंपनी के सेल्स ग्राफ को ओपन किया है और आप देख सकते हो कि इस कंपनी की सेल्स किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। इस कंपनी की सेल्स को अगर हम एनालाइज करें तो 2011 में इस कंपनी की सेल्स 43 करोड़ थी, वहाँ से इस कंपनी की सेल्स इंक्रीज होकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 134 करोड़ तक आ गई है। और इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे 2020 से इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जो एक अच्छी बात है। और इस कंपनी की जो नेट प्रॉफिट्स भी है वो भी कंटिन्यूसली पिछले कुछ सालों से इंक्रीज हो रहे हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। और नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज होने की वजह से इस कंपनी का जो EPS है वो भी कुछ ईयर से ग्रो कर रहा है, विच इज़ अगेन ए पॉजिटिव पॉइंट। इस कंपनी का मार्केट कैप 155 करोड़ है, तो ये एक माइक्रो कैप की कंपनी है। कंपनी का ROC 18.6% है, कंपनी का ROE 18.7% है। इस कंपनी के ऊपर 32.8 करोड़ का डेट है, जिसके अगेंस्ट इस कंपनी के पास 31.4 करोड़ के रिजर्व्स है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 20.5% है, प्रॉफिट ग्रोथ इज 33%। कंपनी के प्रमोटर्स के पास 57.4% शेयर होल्डिंग है और इस कंपनी का लास्ट वन ईयर रिटर्न 80.2% है, विच इज़ वेरी गुड। और जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं इसका नाम अर्चित ऑर्गेनोसिस लिमिटेड है और ये कंपनी सिर्फ BSE पे लिस्टेड है। करंटली इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 77 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है।
इस कंपनी की बिजनेस डिटेल्स जानने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो। थर्ड नंबर पे जो कंपनी है ये क्लोरो अल्कली प्रोडक्ट्स, क्लोरोमीथेन, कैस्टर डेरिवेटिव्स और फैटी एसिड्स की प्रोडक्शन करती है। इस कंपनी के सेल्स ग्राफ देखकर आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि इस कंपनी की सेल्स किस तरीके से बढ़ रही है। खासकर अगर आप यहाँ भी 2020 से देखोगे, इस कंपनी की सेल्स जो है वो शार्पली इंक्रीज हुए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। इस कंपनी के सेल्स को अगर हम एनालाइज करें तो 2011 में इस कंपनी की सेल्स 702 करोड़ थी और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इस कंपनी की सेल्स 1871 करोड़ तक आ गई है। तो इस कंपनी की जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, जो एक अच्छी बात है। सेल्स इंक्रीज़ होने के साथ साथ अगर आप देखोगे इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमेशा आपको पॉजिटिव में दिखेगा, और रिसेंटली इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, विच इज़ अगेन ए पॉजिटिव पॉइंट। कंपनी के नेट प्रॉफिट्स को भी अगर हम देखें तो 2011 में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट जस्ट 14 करोड़ है, वहाँ से इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और करंटली इस कंपनी के नेट प्रॉफिट 272 करोड़ तक आ गए हैं। तो इस टाइम पीरियड में इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है वो तकरीबन 20 टाइम्स से ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, जो एक अच्छी बात है। और रिसेंट ईयर्स में भी अगर आप देखोगे 2021 में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स 29 करोड़ थे, वहाँ से इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में एक बड़ा जंप आया है और इंक्रीज़ होकर वो 134 करोड़ तक आ गए हैं, और वहाँ से भी इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में एक अच्छा खासा जंप आया है और इंक्रीज़ होकर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स 272 करोड़ तक आ गए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। अकॉर्डिंगली अगर आप इस कंपनी का EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर देखोगे तो 2021 में इस कंपनी का EPS जस्ट 2.70 था, जो इंक्रीज़ होकर 12.53 तक आ गया है, और करंटली इस कंपनी का जो EPS है वो 25.42 तक आ गया है। तो इस कंपनी का जो EPS है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है, विच मीन्स दैट ये कंपनी भी रैपिडली ग्रो कर रही है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1452 करोड़ है, तो ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है। कंपनी का ROC 22.4% है, विच इज़ गुड। कंपनी का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 19.8% है, विच इज़ अगेन गुड। इस कंपनी के ऊपर 461 करोड़ का डेट है, जिसके अगेनस्ट इस कंपनी के पास 636 करोड़ के रिजर्व्स है। तो इस कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो इस कंपनी के डेट के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और ये अच्छी बात है। इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ आप देखिए 82.9% है, विच इज़ वेरी गुड। इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए 732%, विच इज़ एक्सेप्शनल। प्रमोटर्स के पास इस कंपनी के 63.2% शेयर्स है, और इस कंपनी का लास्ट वन ईयर रिटर्न 135% है। तो इस कंपनी में अगर आपने एक साल पहले इन्वेस्ट किया होता, आपके पैसे दुगने से भी ज़्यादा हो गए होते, जो बहुत अच्छी बात है। और जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, इसका नाम TJV SAC Limited है, और ये TJV ग्रुप की एक कंपनी है। ये कंपनी सिर्फ BSE पे लिस्टेड है, और इस कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी 141 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। केमिकल सेक्टर में आप इस कंपनी पे भी नज़र बना के रख सकते हो, ये कंपनी आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकती है। सेकंड नंबर पे जो कंपनी है ये बेसिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स और PVCO पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस कंपनी के चार बिजनेस डिविजन्स हैं, जिनमें कॉस्टिक सोडा प्लांट, क्लोरेट्स प्लांट, साल्ट डिविजन और PVCO पाइप्स शामिल है। यहाँ पे इस कंपनी का सेल्स ग्राफ मैंने ओपन किया है, आप देख सकते हो यहाँ तक इस कंपनी के सेल्स कुछ खास नहीं हो रही थी, लेकिन इस पॉइंट से इस कंपनी की जो सेल्स है वो शार्पली इंक्रीज़ हो रही है, जो बहुत अच्छी बात है। इस कंपनी के सेल्स को अगर हम देखें तो 2012 में इस कंपनी की सेल्स जस्ट 4 करोड़ थी, वहाँ से इस कंपनी की सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होकर करंटली ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 323 करोड़ तक आ गई है। तो इस टाइम पीरियड में इस कंपनी की जो सेल्स है वो तकरीबन 80 टाइम्स से इंक्रीज़ हुए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो 2016 से इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमेशा आपको पॉजिटिव में दिखेगा, विच इज़ अगेन ए पॉजिटिव पॉइंट। और इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो पहले कुछ खास नहीं हुआ करते थे, लेकिन रिसेंटली इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है वो 2021 में इस कंपनी को 8 करोड़ का लॉस हुआ था, लेकिन वहाँ से इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में एक बड़ा जंप आया है और इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स 2022 में 29 करोड़ तक थे, और इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है वो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 47 करोड़ के अराउंड होंगे। तो अब कंपनी के नेट प्रॉफिट्स ने एक रफ्तार पकड़ी है, जो बहुत अच्छी बात है। इस कंपनी का मार्केट कैप 502 करोड़ है, तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का ROC 13.3% है। इस कंपनी को अपने ROC के मामले में थोड़ा इम्प्रूव होना है, और जैसा हमने देखा ये इम्प्रूव भी कर रही है।
कंपनी का आरओबी 10.2% है, यहाँ भी इस कंपनी को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। कंपनी के ऊपर 8.37 करोड़ का डेट है, जिसके अगेंस्ट इस कंपनी के पास 284 करोड़ के रिजर्व्स है। तो ये कंपनी कभी भी अपने डेट को लिक्विडेट कर सकती है, जो एक अच्छी बात है। कंपनी को मैंने सेकंड नंबर पे इसलिए रखा कि क्योंकि आप कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखिए 72.1% विच इज़ एक्सेप्शनल, और इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखिए 811% विच इज़ क्वाइट आउटस्टैंडिंग। प्रमोटर्स के पास इस कंपनी के 73.4% शेयर्स है, तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है, और इस कंपनी का लास्ट वन ईयर रिटर्न 106% है। तो अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता, आपके पैसे अभी तक डबल हो गए होंगे। और जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, इसका नाम कैम्फेब अल्कलीज लिमिटेड है, और ये कंपनी BSE और NSE दोनों पे लिस्टेड है। इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 371 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो रिसेंटली ग्रो होना स्टार्ट हुआ है, और आप इस कंपनी पे भी नज़र बना के रख सकते हो, ये फ्यूचर में आपको अच्छे खासे रिटर्न बना के दे सकती है। और फाइनली नंबर वन पे जो कंपनी है, ये ऑक्सिलरीज एंड स्पेशलिटी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो टेक्सटाइल्स, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर्स, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं। यहाँ पे मैंने इस कंपनी के सेल्स ग्राफ को ओपन किया है, और आप देख सकते हो इस कंपनी की सेल्स किस तरीके से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। यहाँ भी हमें इस कंपनी की सेल्स में 2020 में एक डिप दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ से इस कंपनी की जो सेल्स है वो शार्पली इंक्रीज हो रही है, जो बहुत अच्छी बात है। इस कंपनी की सेल्स को अगर हम देखें तो 2012 में इस कंपनी की सेल्स जस्ट 80 करोड़ थी, वहाँ से इस कंपनी की जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 441 करोड़ तक आ गई है। तो इस कंपनी की सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, जो एक अच्छी बात है। और सेल्स इंक्रीज होने के साथ साथ इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमेशा आपको पॉजिटिव में दिखेगा, और हमेशा आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगा, विच इज़ अगेन ए पॉजिटिव पॉइंट। कंपनी के नेट प्रॉफिट्स को अगर हम देखें तो 2012 में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट जस्ट 6 करोड़ थे, और करंटली इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज होकर 67 करोड़ हो गए हैं। तो इस टाइम पीरियड में इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है वो तकरीबन 11 टाइम्स इंक्रीज हुए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज होने की वजह से इस कंपनी का जो EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर है वो 0.53 से इंक्रीज होकर करंटली 5.92 तक आ गया है। तो इस कंपनी का जो EPS है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, जो इस कंपनी के बिजनेस और इस कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है। इस कंपनी का मार्केट कैप 3698 करोड़ है, तो ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है। कंपनी का ROCE 31.1% है, विच इज़ गुड। कंपनी का ROBE ठीक ठाक है, 23.4%। कंपनी के ऊपर जस्ट 1.91 करोड़ का डेट है, जिसके अगेंस्ट इस कंपनी के पास 240 करोड़ के रिजर्व्स है। तो ये कंपनी कभी भी अपने डेट को लिक्विडेट कर सकती है, क्योंकि इस कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो इस कंपनी के डेट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, जो एक अच्छी बात है। इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ 75.3% है, विच इज़ वेरी गुड। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 47.9% है, विच इज़ अगेन गुड। प्रमोटर्स के पास इस कंपनी के 64.9% शेयर्स है, तो प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है इस कंपनी की। और इस कंपनी का लास्ट वन ईयर का रिटर्न 171% है, विच इज़ क्वाइट आउटस्टैंडिंग। और जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, इसका नाम फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड है, ये कंपनी BSE और NSE दोनों पे लिस्टेड है। इस कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी 320 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और इस कंपनी की जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा, इन सभी कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, और इसके साथ साथ इन कंपनी की जो फंडामेंटल्स है वो भी स्ट्रांग है। केमिकल सेक्टर की इन सब कंपनीज में आपको कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना, और स्टॉक मार्केट के कंपनीज और इससे रिलेटेड जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।